पहली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी सामने आए हैं और सामने आकर बॉलीवुड एक्टर्स पर निशाना साधा है। जी हाँ, खान्स, कपूर्स और कुमार्स पर इस वक्त सिद्दीकी ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया है। बैक टू बैक सोशल मीडिया पर काफी बवाल होता है। बैक टू बैक सोशल मीडिया पर लगातार बॉलीवुड फिल्मों को ट्रोल किया जा रहा है। आखिर क्यों बॉलीवुड फिल्में इतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पा रही जितना साउथ की फिल्में कर रही हैं? हालांकि साउथ फिल्मों की स्टोरी में कोई भी ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है जो बॉलीवुड ने ट्राई ना किया हो, उसके बावजूद क्यों बॉलीवुड एक्टर्स को वो प्यार नहीं मिल रहा। वेल, इस बारे में जब नवाज से पूछा गया तो वो कहते हैं, बॉक्स ऑफिस पर क्या हो रहा है इसका चिंता प्रोड्यूसर का काम है, इसकी चिंता करना। टिकटें कितनी बिक रही हैं, इसकी चिंता एक्टर को नहीं करनी चाहिए। एक एक्टर अगर बॉक्स ऑफिस पर उसके कलेक्शन की बात करता है तो मैं इसे एक क्राफ्ट करप्शन की तरह देखता हूँ। जो एक्टर 100 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं, किसी फिल्म को फ्लॉप करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। एक छोटे बजट की या मामूली बजट की फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होती। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पैसा भी हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट के पीछे भागता है। मेरे पास काफी पैसा हो सकता है लेकिन मेरे पास अगर अच्छी कहानी नहीं होगी तो उन पैसों का कोई मतलब नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी के पास अच्छी स्क्रिप्ट है तो बड़े बजट वाले बैनर और प्रोड्यूसर भी उन्हीं के पीछे भागेंगे। हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जिनके पास अच्छे विचारों की समझ हो, ना कि वही घिसे पिटे काम करने चाहिए। वेल, 100 करोड़ का बजट बनाने वाले लोगों पर सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा है। आप इस पर क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। सर कैसे हो सर? आइए ना, आइए ना, साथ में आ जाइए ना, आइए ना, साथ में आ जाइए। कैसे हो सर? थैंक यू सर।